good morning students here is part 2 of chapter 19 secularism in previous video we talked about secularism meaning and their importance and now we will read secularism in india secularism is not an outside concept planted in the india but has its domain related to india secularism enjoys a special status in india as इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री विथ वेरियस रिलीजन्स एंड कम्युनिटीज़ कि जो भारत में जो धर्म निरपेक्षता है क्या है वो एक बाहरी अवधारणा नहीं है लेकिन इसका जो डोमेन है जो स्पेशली स्टेटस है वो क्या है भारत से के विभिन्न धर्मों और समुदायों में संपन्न विशाल देश के रूप में एक पंथ निरपेक्षता जो भारत को विशेष स्थान जो है प्राप्त किया गया है कहने का मतलब ये है कि इसमें जो है भारत में कोई भी धर्म अपनाने की जो है उनको स्वतंत्रता है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री इन विच वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर नॉर द स्टेट एंड फोर्सेज एन पर्टिकुलर रीजन की संविधान के अनुसार क्या है कि भारत में कोई भी समाज किसी भी धर्म को अपना सकता है हम उनके ऊपर किसी भी तरह का दबाव नहीं डाल सकते द इंडियन स्टेट्स वर्क इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट द अबाउ डोमिनेशन एंड द फॉलो डिफरेंट स्ट्रेगरीज टू प्रमोट सेक्युलरिज्म इन इंडिया सम ऑफ देम डिस्कस बिलो अब भारत में जो है धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने के लिए कई तरह से कार्य किए जा रहे हैं और इन बढ़ावों के लिए कई कार्य नीति भी जो है उनका अनुसरण करता है उनका पालन करता है जिसमें कुछ के हम बत, बारे में हम बता रहे हैं द स्टेट नॉट अलाइन टू एनी रिलीजन की राज्य धर्म के साथ कोई गठबंधन नहीं है द स्टेट ना इधर फेवर्स एनी पर्टिकुलर रीजन कि जो स्टेट है वो राज्य ना तो किसी पहचान में ना ही किसी धर्म में नॉट डिक्रिमिनेशन अंगेज एनी रीजन और ना ही किसी धर्म के प्रति जो है भेदभाव को करता है इन प्रैक्टिकल टर्म्स दिस मीन्स नॉट दैट नो वन कैन ही स्टॉप्ड फ्रॉम स्टडिंग द पब्लिक इंस्टीट्यूशन होल्डिंग ए पब्लिक ऑफिसज बाइंग ए बुक्स रनिंग ए बिजनेस आर पार्टिसिपेटिंग इन यूटिलाइजिंग एनी थिंग दैट रन बाय द स्टेट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द रीजन कि भारत में इसका अर्थ ये नहीं कि जो सार्वजनिक संस्थान है ये किसी सार्वजनिक पद पर या मकान खरीदने के लिए कारोबार चलाने के लिए धर्म के आधार पर लागू किए जाने के लिए किसी भी धर्म में को किसी में भी भाग लेने की अनुमति जो है वो दी गई है रोका नहीं गया किसी को भी द स्टेट डज नॉट पार्टिसिपेट इन एनी रिलीजियस एक्टिविटीज़ सो फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ऑफिस एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट डो नॉट सेलिब्रेट रिलीजियन फेस्टिवल जो राज्य है किसी भी धार्मिक गतिविधियों में भाग नहीं लेता लेकिन उदाहरण के लिए क्या है कि सरकारी कार्यालय और शैक्षणिक स्थान पर जो है धार्मिक उत्सव नहीं मनाए जाते ओनली नेशनल फेस्टिवल्स ही हम सेलिब्रेट करते हैं यू नो वेरी वेल अबाउट दिस द गवर्नमेंट डज नॉट प्रमोट एनी रिलीजियन फॉर एग्जाम्पल बाय सेटिंग अप ऑफ वर्शिप आर पब्लिशिंग रिलीजियस टेक्स्ट एक्सेट्रा कि जो सरकार है वो ना तो किसी धर्म को बढ़ावा देता है आपने देखा ये कि ना तो वो पूजा स्थल कोई बनवाता है ना ही धर्म ग्रंथ का जो है वो प्रकाशन करता है किसी भी तरह का ऐसा काम नहीं करता एंड नो वन कैन डू एनी थिंग विच इज़ अनाउफुल विच हार्मस अदर टू द स्टेट्स इन द नेम ऑफ रिलीजन और इसके साथ साथ ना ही वो धर्म से के नाम पर दूसरों के साथ राज्य के मतलब दूसरे लोगों के साथ जो है वो भेदभाव करता है फॉर एग्जाम्पल नो वन कैन सी दैट देयर रिलीजन फॉर बिट्स वायलेंस अंगेंस्ट लिविंग बींग्स सो दे विल शट डाउन एनी रेस्टोरेंट दैट सर्व्स नॉन वेजिटेरियन फूड इसीलिए उनका जो है धर्म जीवित जो प्राणी के विरुद्ध हिंसा करना यानी कि कई जगह जो है नॉन वेज फूड चलता है तो वो मना नहीं करता कि आपने ये नॉन वेज नहीं सर्व करना वो सब को धर्म को एक साइड में रखकर सबको उसने काम करने के लिए भी इक्वल जो है राइट्स दिए हुए हैं नेक्स्ट आपका है इंटरवेंशन इन रिलीजियस अफेयर्स की धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप इन सर्टेन केसेस द गवर्नमेंट प्रोटेक्ट्स द प्रिंसिपल्स ऑफ द सेकुलरिज्म बाय इंटरफेक्टिंग रिलीजियस अफेयर्स फॉर एग्जांपल अनटचेबिलिटी वाज ए मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस कि कुछ मामलों में जो है गवर्नमेंट धर्म धर्मनिरपेक्षता के आधार पर जो है उनकी सुरक्षा करती है कैसे जो अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी हो गई वो एक मेजर प्रॉब्लम जो आज भी बनी हुई है उनके लिए जो है उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है काम कर रही है दिस वॉज द एग्जाम्पल ऑफ द अपर कास्ट डोमिनेशन ऑफ द लोअर कास्ट अमंग हिंदूज कि जो हिंदुओं में जो नीचे जाति और उच्च जाति में जो है भेदभाव होता है उस भेदभाव को दूर करने के लिए टू इंश्योर दैट लास्ट रिलेटिंग टू इनहेरिटेंस राइट्स आर रिस्पेक्टेड टू द स्टेट कैन इंटरवेंस इन द लॉ ऑफ रिलीजियन और इसके साथ ही जो राज्य है या जो सरकार है वो अधिकारों का सम्मान करती है और राज्य एक धर्म के कानूनों में हस्तक्षेप कर सकता है द रिलीजियस कम्यूनिटीज़ आर फ्री टू सेटअप स्पेशल स्कूल सच एज़ मदरसा अब जिस तरह से हिंदुओं को या पंजाबियों को मतलब हर एक रिलीजन को जो है अपना अपना जो है कोई भी इंस्टीट्यूट जो है हम खोल सकते हैं शिक्षण केंद्र खोल सकते हैं इसी तरह से मोहम्डनस को जो है मदरसा खोलने की अनुमति दी गई है और गवर्नमेंट जो है उन्हें ग्रांट ग्रांट भी जो देती है प्रोवाइड करती है उनको नॉन इंटरफेरेंस इन रिलीजियस अफेयर्स कि नॉन इंटरफेरेंस क्या है हमारे द गवर्नमेंट फॉलोज ए पॉलिसी ऑफ इंटरफेरेंस इन रिलीजियस मैटर्स ऑल दो देर आर एक्सपेक्टेशन बाई चूजिंग नॉट टू इंटरफेयर द इन द रिलीजियंस एंड द स्टेट रिस्पेक्ट्स रिलीजियम्स ऑफ पीपल और कभी कभी क्या होती है कि जो सरकार है धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करती है और वो जो है इसके अलावा कुछ ऐसे मतलब अपवाद भी हैं जो धर्म में हस्तक्षेप ना करने के लिए जनता की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हैं हम एक एग्जाम्पल एक लेते हैं सिखिज़म का सिख जो है वो अपने जो है पगड़ी बांध कर रखते हैं या आप अच्छे से जानते हो तो क्या है कि जब कोई भी टू व्हीलर से जा रहा होता है तो सबके लिए अलाउ क्या है हेलमेट डालना बट सिखिज़म के धर्म के अनुसार उन्होंने पगड़ी बांधी होती है तो उनको फ्रीली रूप से जो है उनको जाने दिया जाता है उनको जो हेलमेट के लिए जो है नहीं रोका जाता तो दिस इज़ आल्सो एग्जाम्पल ऑफ द नॉन इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट इन रिलीजियस अफेयर्स एंड सेकुलरिज्म इन यू एस ए इन इंडिया द स्टेट इंटरपेश इन इज बेस्ड ऑन द आइडियल लीड आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट अदर कंट्रीज इज नॉट इन द सेम भारत में राज्य का हस्तक्षेप जो है संविधान के आदर्शों पर आधारित है परंतु अन्य देशों में है ऐसा कुछ नहीं कह सकते फॉर एग्जाम्पल इन यू एस ए स्टेट स्ट्रिकली सेपरेट्स इट्स एल्फ फ्रॉम रिलीजियन एंड डज नॉट इंट्र रिलीजियस अफेयर्स की जो अन्य देश हैं जैसे कि उदाहरण के लिए हम अमेरिका को लेते हैं कि खुद को जो वो धर्म से अलग करता है और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता और इसी वजह से जो है संविधान में द फर्स्ट अमेंडमेंट और टू द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द लेजिस्लेचर फ्रॉम मेकिंग लॉज रिस्पेक्टिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिलीजियस फॉर द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन्स और इसी के साथ ही संविधान में प्रथम संशोधन के अंतर्गत विधानमंडल को धर्म से मुक्त प्रयोग करने के लिए जो है धर्म की स्थापना करने का सम्मान करने के लिए जो है विधान बनाने की मनाही कर दी गई है हेयर इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द स्पीच ऑफ द डे इनऑर्गेशन सेरामनी ऑफ द प्रेजिडेंट बैरक ओबामा ऑन जनवरी टू थाउजेंड नाइन तो जनवरी टू थाउजेंड नाइन को जो राष्ट्रपति बैरक ओबा ओबामा थे उनके उद्घाटन के समारोह में भाषण में यहाँ उदाहरण जो है एक दिया गया है वट डू यू नो इज़ दैट अवर पैचअ हेरिटेज इज ए स्ट्रेंथ नॉट ए वीकनेस कि हमारी जो है वो ये बोल रहे थे कि जो हमारी पच्ची कार्य की विरासत है वो एक शक्ति है ना कि एक जो है कमजोरी इसके साथ ही इट इज़ द फर्स्ट टाइम टू यू एस ए प्रेजिडेंट हैड एक्नोलिस्डी एथिस्ट एंड द इन द इन एन ऑर्गेनाइेशन स्पीच नॉट इन टू थाउजेंड एट अमेरिकन पीपल इलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर पर्सन ए ब्लैक और प्रेजिडेंट ओबामाज फादर वॉज ए ब्लैक मुस्लिम एंड मदर वॉज ए वाइट क्रिश्चियन हु इज़ नॉट आल्सो ए रिलीजियस पर्सन की पहली बार जो है उन्होंने ये कहा कि ये पहला अवसर था कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने उद्घाटन में एक जो नास्तिक जो है मान्यता दी और ये नोट करने वाली बात है कि 2008 में अमेरिका लोगों ने पहली बार मतलब ब्लैक आपको पता है कि ब्लैक ओरिजन जो प्रेसिडेंट ओबामा थे उसके जो पिता थे वो मुस्लिम्स थे और जो उनकी मदर थी वो एक क्रिश्चियन थी हुज़ हु इज़ नॉट ए रिलीजियस पर्सन जो कि एक धार्मिक व्यक्ति नहीं थे फिर भी वो प्रेजिडेंट जो है चुने गए देन इन दिस वीडियो वी टॉक्ड अबाउट सेक्युलरिज़म Thank you. Have a nice day.